यूपी चुनाव में क्या औरंगजेब की एंट्री होगी? नमस्कार, रात 4 बज चुके हैं, देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का काशी से एक बार फिर से ये विशेष ब्रॉडकास्ट देश नहीं झुकने देंगे का। काशी की विजय, औरंगजेब गैंग पर औरंगजेब गैंग की पराजय, हैशटैग है औरंगजेब गैंग। जी हाँ, इस हैशटैग पर ट्वीट करिए जिस जिसको लगता है कि काशी के निर्माण से, काशी का नव निर्माण, औरंगजेब गैंग परेशान। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने याद करिए? उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब आया तो छत्रपति शिवाजी उठ खड़े हुए। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? जब मसूद सालार आया तो फिर राजा सोहेलदेव खड़े हुए और हिंदू एकता का परिचय दिया। ये सनातन शक्ति का एहसास कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्या इसके सियासी मायने भी हैं? सोहेलदेव का जिक्र करना, राजा सोहेलदेव का जिक्र करना, छत्रपति शिवाजी का जिक्र करना, औरंगजेब का जिक्र करना यूपी चुनाव से ठीक पहले, क्या इसके सियासी मायने भी हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उसको अब यही रंग दिया जा रहा है। आज बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, क्योंकि देखिए विरोध हो रहा है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ड्रामा था, नौटंकी थी, नाटक था। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि मां गंगा मैली है इसलिए योगी आदित्यनाथ ने डुबकी नहीं लगाई, और भी बहुत कुछ कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि आखिर समय में इंसान यही आता है। तो इन तमाम बयानों को औरंगजेब मनोवृत्ति वाला बयान बताया संबित पात्रा ने। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया संबित की तरफ से कि औरंगजेब मनोवृत्ति वाले बयान है, और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इन सबके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। तो हम लोग इसीलिए डिबेट कर रहे हैं यूपी चुनाव से पहले क्या औरंगजेब की एंट्री हो गई है। मेरे साथ नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और इसके अलावा मेरे साथ वारिस पठान जो कि ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस से, विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं बीएचपी से, और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी हैं आज मेरे साथ जो कि परमार्थ निकेतन आश्रम के स्पिरिचुअल हेड हैं, अध्यक्ष हैं। और स्वामी चिदानंद आपको बता दें कल विशेष मेहमान थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ वो वहां पर मौजूद थे। स्वामी चिदानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा, जो विरोध हो रहा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप ये कहा जा रहा है नौटंकी, नाटक, ड्रामा, कांग्रेस पार्टी कह रही है और मां गंगा मैली तो योगी जी ने डुबकी नहीं लगाई, इस विरोध पर कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है ये औरंगजेब मनोवृत्ति है। अच्छा स्वामी जी, मैं आपके बताऊंगा, सबसे पहले नुपुर यूपी चुनाव से पहले औरंगजेब का तड़का लगा रहे हैं भाई आप लोग, आतंकी औरंगजेब का। नमस्कार आपको अमन जी और सभी को पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को, खास ही उन श्रद्धालुओं को जिनके बीचों बीच आप खड़े हैं। मैं जो दृश्य देख रही हूँ, मेरे हिसाब से अभी अभी वहां पे गंगा आरती होके चुकी होगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम, और मैं काशी को बहुत याद करती हूँ, इसलिए सबको हर हर महादेव। मैं इतना बता दूं, क्या सत्य बोलना आज एक गुनाह है? आखिरी मुगल रूलर जिसने काशी के मंदिर पे हमलावर बोला था, हमला किया था, वो औरंगजेब था। क्या ये भूल सकते हैं कि औरंगजेब को हराने वाले शिवाजी थे? तो सत्य बोलना इतना कठिन क्यों है? मैं कहूंगी सत्य बोलना कठिन नहीं है, कुछ लोगों के लिए सत्य पचाना इतना कठिन क्यों है? जो जबरदस्ती जिन्ना जैसे लोगों को हमारे भारतवर्ष की फ्रीडम का श्रेय देना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई लगी जिन्ना जैसे लोगों ने, उनके लिए ही ये सत्य को पचाना बहुत कठिन है। अहिल्याबाई होलकर जी, रंजीत सिंह जी, और अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर्मों की वजह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आज एक सच्चाई के पटल पे आप सबके सामने है। मेरा सौभाग्य था कि मैं अक्टूबर में काशी में थी, और जिस गति से वहां पे काम चल रहा था अमन जी, जिस तेजी से वहां पे कॉरिडोर का काम चल रहा था, इतिहास को रिजुविनेट करना, रिस्टोर करना, ये गुनाह नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, करेक्टिंग सिविलाइजेशनल रॉन्ग्स। इतिहास में आज भी कानून की प्रक्रिया क्या कहती है अमन जी? मेरे घर पे अगर हमला किया और कब्जा किया तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। अगर मेरे घर में कोई घुसपैठिया जबरदस्ती घुसाता है, उसको सजा मिलती है, जेल की सजा मिलती है। तो जब बाबर ने घुसपैठ किया, उसकी सजा, उसका निर्णय
खैर बाबर जीवित नहीं होगा, लेकिन सिविलाइजेशनल रॉन्ग औरंगजेब, राजा सोहेल देव, ये यूपी चुनाव से पहले औरंगजेब का नाम देकर पोलराइज करने की कोशिश है कि हिंदू एकता की बात करना, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस ऑल है, हिंदुत्व वर्सेस ऑल है, औरंगजेब और सोहेल देव पूर्वांचल, ये क्या मैसेजिंग है यूपी चुनावों के को लेकर काशी से? औरंगजेब, आतंकी औरंगजेब बार बार कहना। अमन जी, औरंगजेब भारतीय थे क्या? अगर किसी को लगता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इनॉग्रेशन पे प्रधानमंत्री मोदी जी वो लास्ट मुगल रूलर का नाम ले रहे हैं जिसने काशी के अस्तित्व पे हमला बोला था, तो अगर उस इस वाक्य से किसी के, मैं कहूँ किसी को ठेस पहुंच रही है, औरंगजेब को आतंकी जो नहीं मान रहा है वो भारतीय है नहीं, तो मैं ये सवाल बल्कि उनसे पूछना चाहूंगी जो औरंगजेब से कहीं ना कहीं वाकिफ रखते हैं, औरंगजेब को अपना मानते हैं क्योंकि वो घुसपैठिया था, वो भारतीय नहीं था, और अगर उसके ऊपर कुछ बोलने से, कुछ सत्य की टिप्पणी करने से किसी को ठेस पहुंच रही है तो पहले अरे अपने गरेबान में झांक के देख ले वो किसके पक्ष में और कहां खड़ा है। वारिस पठान, ऑल इंडिया एमएम से, ओवैसी की पार्टी से है। वारिस भाई, हर हर महादेव, काशी की नगरी से आपको बोल रहा हूँ, हर हर महादेव। वारिस भाई देखिए, अमन भाई आपको मुबारक हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाजपा को पता है, मोदी को पता है, योगी को पता है कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के चुनाव ये बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि योगी टोटली फेल हो चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसलिए जो मोदी हमेशा से बोलते थे सबका विकास सबका विश्वास, मेरी आप बात ही नहीं सुनना चाहते हो, मैं आपको जवाब क्या दूं? मैं आपसे जवाब दे रहा हूं ना आपकी बातों का। आज मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है, प्रधानमंत्री बने हैं देश के, आपको पता है ना अमन भाई, जवाब ही नहीं दिया। अरे मैं आपको मुबारकबाद दी, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक। हमारा देश तो सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म का प्रतीक है, गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब को मानते हैं। आपने मुझे सवाल किया, मेरी बात भी तो रखने दूंगा, मैं मेरी बात भी तो रखने दीजिए ना अमन भाई, मेरी बात को काट रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? सच्चाई से मुंह मत खोलो अमन भाई, सच्चाई आपको भी पता है कि योगी और मोदी दोनों फेल हो चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश में ये हारने वाली है भाजपा इस मरतबा। तो फिर आ गए लोग मंदिर काशी, राम का नाम लेके 200 से 350 पे आ गए। इनको लगता है कि काशी के अंदर ये 800 करोड़ रुपया जो खर्चा कर दिया है ये मोदी जी के जेब से नहीं था या योगी के जेब का पैसा नहीं था, ये टैक्स पेयर के मनी से हुआ था, टैक्स पेयर के पैसे का सब ये कुछ है। अब अगर मोदी जी ने संविधान की शपथ लेकर वो अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, अगर मोदी जी पर्सनल इससे गए होते वहां पर, जैसा आप गए वहां पूजा पाठ करते, किसी को आपत्ति नहीं होती, मगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह से वहां पर जाना, क्या ये मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन नहीं है? क्या ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? कॉम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रही क्या ये? एक स्तर के लोगों को निभाने लुभाने